झारखंड सरकार को अस्थिर करने के संबंधी आरोपों में फंसे कांग्रेस के 3 निलंबित विधायकों इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और नमन विक्सल कोनगाड़ी को कोर्ट से सशर्त जमानत मिलने के बाद कोलकाता में ही रहना पड़ रहा है। उनसे लगातार क्षेत्र के लोग मिलने आ रहे हैं। विधायकों के समक्ष परेशानी यह है कि वे कोर्ट का आदेश मिले बगैर यहाँ नहीं आ सकते। इस स्थिति से परेशान जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने अपने खिलाफ 0 FIR करने वाले पार्टी के ही बेरमो विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला है। रविवार को फोन पर बात करते हुए विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि साजिश के तहत 3 विधायकों के खिलाफ रांची में 0 FIR कराया गया है। अनूप सिंह को किसी प्रकार की दुश्मनी है तो उन्हें राजनीति मैदान में निपटना चाहिए था। यह भी कहा कि अनूप सिंह की उनसे पिछले 1 वर्षों से कोई बातचीत नहीं हुई है। फोन डिटेल निकाल कर इसे देख लिया जा सकता है। विधानसभा में भी बातचीत नहीं होती थी। अनूप सिंह ने उनकी कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदिता भी नहीं है, विधायक इरफान अंसारी ने कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि हमने उनको 100 करोड़ रुपए और मंत्री बनाने का ऑफर दिया है, यह समझ के परे है। सवाल उठाया कि वे किसी को मंत्री कैसे बना सकते हैं। कोलकाता में उन्हें 3 विधायकों के साथ जाने को कह दिया। सभी विधायक थाना से निकल गए थे। उसके बाद थाने के पदाधिकारी ने आकर फिर रोक दिया। इरफान अंसारी ने दावा किया है कि 3 विधायकों के पास आदिवासी दिवस की तैयारी से संबंधित पैसे को एक साथ जोड़कर दिखाया गया है। सवाल उठता है कि कोई विधायक 15-16 लाख रुपए लेकर नहीं चल सकता। इरफान अंसारी ने कहा, इसे भ्रम फैलाया गया कि विधायकों के पास 10-15 करोड़ रुपए मिले हैं। यह गलत निकला तो काफी कम राशि को एक साथ जोड़कर केस बनाने की कोशिश की गई है। मांडर की विधायक शिल्पा नेहा तिर्की द्वारा विधानसभा में अपने खिलाफ की गई शिकायत के संबंध में उन्होंने कहा कि उन्हें भी तथ्य देना चाहिए। किसी के प्रभाव में आकर ऐसा आरोप लगाना ठीक नहीं है, वह उनकी पुत्री समान है। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम को उन्होंने अभिभावक बताया है। यह भी कहा है कि कांग्रेस आलाकमान को गलत जानकारी दी गई है। 3 विधायक कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद आलाकमान के समक्ष सारी बात रखेंगे।